bismillahirrahmanirrahim assalamu alaikum this is Shafqat Mehmood dear friends today we will be discussing about another important topic and this topic is bailable and non-bailable offenses so it is very important to understand the difference between bailable and non-bailable offenses so before going towards the explanation first we will have to go through the definition which is provided under section 4 of criminal procedure code so According to clause B of subsection 1 of section 4, bailable offense means an offense shown as bailable in the second schedule or which is made bailable by any other law for the time being in force, and non bailable offense means any other offense. इस डिफीनीशन का मतलब यह है कि सी के सेकेंड शेड्यूल में जिन ऑफेंसेस को बेलेबल डिक्लेयर किया गया है वो तमाम के तमाम ऑफेंसेस बेलेबल हैं या किसी और कानून में किसी ऑफेंस को बेलेबल डिक्लेयर किया है वो ऑफेंस भी बेलेबल है और इन ऑफेंसेस के अलावा जो दीगर और ऑफेंसेस है वो ऑफेंस नन बेलेबल ऑफेंस हैं बेसिकली बेल कहते हैं बेल इज़ रिलीज़ ऑफ़ अ पर्सन फ्रॉम द कस्टडी ऑफ पुलिस एंड डिलीवरी इन टू दी हैंड ऑफ़ श्योरिटीज़ इसका मतलब ये है कि बेल जो है बेल किसी अक्यूज़ को या किसी भी शख्स को पुलिस की कस्टडी से आज़ाद कर देती है और उसके जो श्योरटीज़ होते हैं यानी कि जो जमानतकार होते हैं उनके हवाले कर दिया जाता है हुडरटेक टू प्रोड्यूस हिम इन कोर्ट वेन एवर रिक्वायर्ड टू डू सो और जो ज़मानत कार होते हैं जो किश्योरिटीज़ होते हैं उनकी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि जब भी कोर्ट को इस अक्ूज़ की ज़रूरत होगी तो वो उस एक्कीूज़ को कोर्ट में लाएँगे तो हम सिम्पली ये कह सकते हैं कि बैल वो डॉक्यूमेंट है जो कि किसी अक्ूज़ को या किसी भी शख्स को पुलिस की कस्टडी से आज़ाद कर देती है और वो शख़्स या वो अक्यूज़ पर्सन जो है उसके श्योरिटीज़ के हवाले कर दिया जाता है और उन श्योरिटीज़ की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि जब भी कोर्ट को उस अक्यूज़ की ज़रूरत होती है तो वो श्योरिटीज़ उस अक्यूज़ को कोर्ट में लाती है तो बेल का यही मतलब है बेल का दरअसल ये आपको जो है किसी ऑफेंसेस में अब हम उसको आगे डिस्कस करते हैं बेल इन बेलेबल ऑफेंसेस, यानी कि बेल जमानत दी जाए उन ऑफेंसेस में जो कि बेलेबल हैं तो बेल इन बेलेबल ऑफेंसेस, इन इन बेलेबल ऑफेंसेस ऑफेंस अक्यूज हैज द इनडिफिजिबल राइट टू ग्रांट ऑफ बेल सब्जेक्ट टू सेटिसफेक्ट्री श्योरिटी बीइंग ऑफर्ड इसका मतलब यह है कि बेलेबल ऑफेंसिस में अक्यूज का यह राइट है कि उसको ज़मानत पर रिहा कर दिया जाए यहाँ पर लफ्ज़ जो है इन डिफिजिबल का मतलब यह है कि इस राइट को कोर्ट जो है निगलेक्ट नहीं कर सकती इस राइट को कोर्ट जो है एवॉड नहीं कर सकती यानी कि यह जो राइट है ये बेसिकली अक्यूज़ का राइट है कि अगर उसने कोई बेलेबल ऑफेंस कमिट किया है तो कोर्ट उस अक्यूज को जमानत पर रिहा करेगी अक्यूज कैन बी रिलीज इधर बाय पुलिस ऑफिसर और बाय द कोर्ट इन बेलेबल ऑफेंस इसका मतलब यह है कि बेलेबल ऑफेंस यह बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है बेलेबल ऑफेंस में पुलिस ऑफिसर के पास भी अख्तियार है और कोर्ट के पास भी इख्तियार है कि वो अक्यूज को बेल पर रिहा कर सकती है अक्सर ये जो क्वेश्चन है कि बेलेबल ऑफेंस में किन अथॉरिटीज के पास अख्तियार है कि वो किसी अक्यूज़ को बेल पर रिहा कर सकती है तो मेजॉरिटी जो स्टूडेंट्स होते हैं वो कोर्ट्स को मेंशन करते हैं कि कोर्ट के पास ये इख्तियार है कि वो बेलेबल ऑफेंस में या अक्यूज़ वो वो अक्यूज़ जिसने बेलेबल ऑफेंस कमिट किया है उसको ज़मानत पर रिहा कर सकती है जबकि कानून में जो है पुलिस ऑफ़िसर यानी कि इंचार्ज ऑफ पुलिस स्टेशन, एस एच ओ स्टेशन हाउस ऑफिसर, उनके पास भी ये इख्तियार है कि अगर किसी शख्स ने बेलेबल ऑफेंस कमिट किया है तो उस शख्स को ज़मानत पर रिहाई मिल सकती है उस पुलिस स्टेशन से ठीक है तो यहाँ पर पुलिस और कोर्ट दोनों के पास इख्तियार हैं ग्रांट बेल ग्रांट ऑफ बेल टू एन अक्यूज इन बेलेबल ऑफेंस इज़ मैंडेट्री यानी कि यह मैंडेट्री है कि अगर किसी शख्स ने बेलेबल ऑफेंस कमिट किया है तो उसको ज़मानत पर रिहा किया जाएगा क्यों मैंडेटरी है ये आगे अब जो है सेक्शन 496 में बताया गया है सेक्शन 496 ऑफ सीआरपीसी प्रोविजन ऑफ बेल इन बेलेबल ऑफेंस इट इस्टेट्स डेट अक्यूज़ ऑफ बेलेबल ऑफेंस शेल बी रिलीज़ ऑन बेल देखिए यह जो सेक्शन है सेक्शन फोर हंड्रेड एंड नाइन्टी सिक्स ऑफ सी आर पी सी इसमें लफ्ज़ शेल का इस्तेमाल किया गया है यानी कि यह मैंडेटरी है डायरेक्ट्री नहीं है यह मैंडेट्री है कि अगर कोई शख्स बेलेबल ऑफेंस कमिट करता है तो उस शख्स को ज़मानत पर रिहा किया जाएगा तो इसलिए मैंने आप लोगों से जो शुरू में कहा कि यह एक इनडिफिजिबल राइट है जिसको कोर्ट अवॉइड नहीं कर सकती जिसको कोर्ट जो है निगलेक्ट नहीं कर सकती वो इस वजह से कहा था कि क्योंकि सेक्शन 496 सीआरपीसी क्रिमिनल प्रोसीजर कोर्ट का जो ये सेक्शन है इसमें बताया गया है कि अक्यूज़ ऑफ बेलेबल ऑफेंस शल बी रिलीज्ड ऑन बेल यानी कि यह मैंडेटरी है कि उसको ज़मानत पर रिहा किया जाएगा अंडर सेक्शन फोर हंड्रेड नाइन्टी सिक्स क्रिमिनल प्रोसीजर कोड नो एप्लीकेशन फॉर बेल इज़ रिक्वायर्ड वेन एन अक्यूज इज प्रोड्यूस बिफोर द मजिस्ट्रेट इन अन बेलेबल ऑफेंस एंड द मजिस्ट्रेट फाउंड डेट द अक्यूज़ हैड कमिटेड अ बेलेबल ऑफेंस ही वुड रिलीज हिम ऑन बेल यानी कि जब कभी पुलिस अथॉरिटी फॉर एग्जाम्पल एक शख्स है उसने कोई क्राइम कमिट किया है और पुलिस ने उसे गिरफ्तार किया और पुलिस का ये ख्याल है कि यह जो क्राइम कमिट हुआ है ये एक बेलेबल ऑफेंस है सॉरी नन बेलेबल ऑफेंस है और जब उसको मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया गया तो मजिस्ट्रेट को यह पता चला कि जो क्राइम या जो ऑफेंस इस शख्स ने कमिट किया है ये एक बेलेबल ऑफेंस है तो इस सिचुएशन में जो एप्लीकेशन दी जाती है कोर्ट में बेल के लिए वो एप्लीकेशन देना ज़रूरी नहीं है और मजिस्ट्रेट जो है वो इस शख्स को रिलीज़ कर देंगे बेल पर यानी कि इस शख्स को ज़मानत दे देंगे कोर्ट हैज़ द राइट टू कैंसिल द बेल इफ़ एनी कंडीशन इम्पोज ऑन अक्यूज़ हैज़ बीन वायलेटेड यानी कि जब कभी भी कोर्ट किसी अक्यूज़ को ज़मानत पर रिहा करती है तो उस पर कुछ कंडीशन इम्पोज़ करती है फॉर एग्ज़ाम्पल ये कंडीशन भी हो सकता है कि जब भी आपको कोर्ट बुलाए तो आपकी जो मौजूदगी है वो ज़रूरी होगी अगर ये जो कंडीशन है अक्यूज़ इस कंडीशन की वायलेशन करता है तो कोर्ट के पास ये हक महफूज है कि वह उस अक्यूज़ की उस अक्यूज़ का जो बेल है उसको कैंसल कर सकती है और कैंसल करने के बाद मजिस्ट्रेट जो है वो ऑर्डर देगा पुलिस पुलिस को कि इस अक्यूज़ को दोबारा गिरफ्तार किया जाए एग्जाम्पल अवेलेबल ऑफेंसेस आर सेक्शन 191 हंड्रेड एंड नाइन्टी वन पाकिस्तान पेनल कोड गिविंग फॉल्स एविडेंस सेक्शन फाइव हंड्रेड पी पी सी पाकिस्तान पेनल कोड डिफामेशन सेक्शन टू हंड्रेड एंड ट्वेंटी थ्री पाकिस्तान पेनल कोड सिंपल हार्ट और इनके अलावा और भी बेलेबल ऑफेंसेस हैं यानी कि अगर कोई शख्स किसी को सिंपल हार्ट पहुंचाता है तो वो ये एक बेलेबल ऑफेंस है और उसको जो है आ, 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 जो स्टेशन है पुलिस स्टेशन है या कोर्ट में उसको ज़मानत दी जा सकती है इसी तरीके से डिफामेशन केसेस के में भी जमानत दी जाती है क्योंकि ये ये भी एक बेलेबल ऑफेंस है सो नाउ वी विल प्रोसीड टूवर्ड्स अनदर स्लाइड अबाउट नन बेलेबल ऑफेंस बेल इन नन बेलेबल ऑफेंस इन नन बेलेबल ऑफेंस अक्यूज़ कैन नॉट क्लेम बेल एज़ हिज़ और हर राइट जैसे कि अभी इससे पहले बेलेबल बेले ऑफेंस में मैंने आप लोगों को बताया था कि बेलेबल ऑफेंस में ये अक्यूज़ का राइट है ये अक्यूज का हक है कि उसको ज़मानत पर रिहा किया जाए मगर नन बेलेबल ओफेंस में बैल तो मिल जाती है अक्सर केसेज़ में अक्यूज़ को मगर ये उसका राइट नहीं है यानी कि अक्यूज़ जो है ज़मानत को एज़ अ राइट एज़ हक, वो क्लेम नहीं कर सकता कोर्ट के सामने कि ये मेरा हक है और मुझे जो है ज़मानत दे दी जाए फॉर एग्ज़ाम्पल अगर एक शख्स है उसने मर्डर कमिट किया है तो मर्डर जो है ये एक नन बेलेबल ऑफेंस है ठीक है अब वो जो अक्यूज़ है वो ये क्लेम नहीं कर सकता कोर्ट के सामने कि यान ये मेरा हक है कि मुझे ज़मानत दे दी जाए क्योंकि वो जो ऑफेंस है वो सीआरपीसी के सेकंड शेड्यूल में नन बेलेबल ऑफेंस डिक्लेअर किया गया है तो लिहाजा वो नन बेलेबल ऑफेंस है और अक्यूज़ का उसमें ये राइट right नहीं है कि उसको जमानत दे दी जाए बेल इन नन बेलेबल ऑफेंस इज़ कंसेशन ऑफ कोर्ट एंड इट इज़ ग्रांटेड एट द डिस्क्रशन ऑफ कोर्ट अभी मैंने आप लोगों को बताया कि नन बेलेबल ऑफेंस में भी बेल मिल जाती है मगर वो बेल का जो मिलना है वो दरअसल कंसेशन है अक्यूज़ के लिए कोर्ट की तरफ से ये कंसेशन है और ये कोर्ट के पास जो है ये डिस्क्रिशनरी पावर है कि वो बेल का एप्लीकेशन एक्सेप्ट भी कर सकती है और उस एप्लीकेशन को रिजेक्ट भी कर सकती है नन बेलेबल ऑफेंस में जबकि बेलेबल ऑफेंस में ये उसका राइट होता है तो लिहाजा कोर्ट uh, जो है एप्लीकेशन को रिजेक्ट नहीं कर सकती क्योंकि अंडर uh, सेक्शन 496 में uh, ये अक्यूज़ का एक राइट right डिक्लेयर किया गया है कि उसको बेल पर रिलीज किया जाएगा सेक्शन 497 ऑफ सीआरपीसी डील्स विद प्रोविजन ऑफ बेल इन नन बेलेबल ऑफेंस सेक्शन 497 जो है ये डील uh, करते हैं बेल बेल के मुतालिक है ये सेक्शन और ये सेक्शन जो है ये दरअसल बताता है हमें कि मतलब किन सिचुएशंस में उस अक्यूज को जिसने नन बेलेबल ऑफेंस कमिट किया है उसको कोर्ट जो है वो बेल ग्रांट कर सकती है तो ये जो दो सेक्शंस हैं सेक्शन 496 और सेक्शन 497 इस पर मैं एक अलग लेक्चर अपलोड करूँगा केफ यहाँ पर भी मेंशन करना ज़रूरी था तो इसलिए मैंने यहाँ पर भी मेंशन कर दिया द कोर्ट हैज़ पावर टू रिजेक्ट द बेल ऑफ एन अक्यूज़ इफ़ द ऑफेंस इज़ सीरियस वन यानी कि यहाँ पर कोर्ट जो है उनके पास कोर्ट के पास जो है वो एक डिस्क्रिशनरी पावर है तो कोर्ट जो एप्लीकेशन फ़ाइल की जाती है या जो एप्लीकेशन सबमिट की जाती है बेल के लिए उसको रिजेक्ट भी कर सकती है अगर वो जो ऑफेंस है वो बहुत ही सीरियस ऑफेंस है और अभी तक जो है उसमें जो है मतलब उसमें अक्यूज को बेल देने की कोई चांस नहीं है तो कोर्ट जो है वो आ, उस एप्लीकेशन को रिजेक्ट कर सकती है मगर दरअसल अक्सर हम सुनते हैं कि मर्डर के केस में जो कि बहुत ही सीरियस केस है इसमें भी अक्यूज को बेल दे दी जाती है तो पहले तो मैंने आप लोगों को बताया कि उसको बेल देना यह उसका हक नहीं है और अगर उसको बेल दे दी गई है तो वो एक कंसेशन है कोर्ट की तरफ से अक्यूज़ के लिए ठीक है और ये कोर्ट का डिस्क्रिशनरी पावर है मगर ज़्यादातर केसेस में और इन तरह ये जो सीरियस टाइप के जो केसेस होते हैं इन केसेस में अक्यूज़ को बेल उस वक्त दी जाती है जब प्रोजीक्यूशन के केस में कोई डाउट क्रिएट हो जाए और ये बहुत ही फेमस प्रिंसिपल है कानून का कि बेनिफिट ऑफ डाउट गोज टू दूज़ यानी कि प्रोजीक्यूशन के केस में जब डाउट क्रिएट हो जाता है तो कोर्ट जो है uh, उस डाउट का जो फ़ायदा है वो अक्यूज के पास चला जाता है और कोर्ट जो है उस अक्यूज का जो एप्लीकेशन है बेल के लिए वो एक्सेप्ट कर लेती है और उस अक्यूज़ को बेल पर रिहाई मिल जाती है एग्जाम्पल ऑफ नन बेलेबल ऑफेंस आर सेक्शन थ्री जीरो टू पाकिस्तान पेनल कोड तीन सौ दो जो कि रिलेटेड ए पनिशमेंट फॉर मर्डर और सेक्शन थ्री हंड्रेड एंड नाइन्टी सिक्स पी पी सी डेक्वाइटी विथ मर्डर एक्सेट्रा इनके अलावा जो हमारे पास ऑफेंसेज हैं सेक्शन थ्री हंड्रेड एंड नाइन्टी सिक्स है और सेक्शन uh, जो है हमारे पास थ्री हंड्रेड एंड सेवेंटी सिक्स है सेक्शन थ्री हंड्रेड एंड सिक्सटी थ्री है जो कि रेप और किडनैपिंग के मुतलक है और जो हमारे पास सेक्शन है सेक्शन थ्री हंड्रेड एंड एटी थ्री जो कि एक्सटॉर्शन के, के मुतलक है तो ये जो सीरियस टाइप के ऑफेंसेस है ये दरअसल नन बेलेबल ऑफेंसेस हैं इसमें से इसमें मोस्टली जो है नन बेलेबल ऑफेंसेस हैं तो ये हमारा नन बेलेबल ऑफेंसेस के मुतल था अब हम डिस्कस करेंगे कि किन सिचुएशन में नन बेलेबल ऑफेंस में भी कोर्ट जो है अक्यूज़ को अब बेल ग्रांट कर सकती है वन देयर आर सच ग्राउंड टू बिलीव डेट ऑफेंस इज़ नॉट पनिशेबल विद टेन ईयर्स जब मतलब जब कोर्ट को यह या जब कोर्ट मुतम हो जाए कि जो ऑफेंस कमिट किया गया है उस ऑफेंस की सज़ा जो है वो दस साल से कम है तो उस सिचुएशन में भी कोर्ट अक्यूज़ को बेल पर रिहा कर सकती है और ये बात दरअसल बताई गई है हमें सीआरपीसी के सेक्शन 497 उसका सब सेक्शन 2 टू में इसी तरीके से जब अक्यूज माइनर हो या वो वुमेन हो या वो जो है बीमार है अक्यूज़ या वो बहुत ही ओल्ड एज का है तो उस सिचुएशन में भी कोर्ट के पास यह डिस्क्रिशनरी पावर है कि वो उस अक्यूज़ को बेल पर रिहा कर सकती है अक्यूज़ इज़ फर्स्ट ऑफ़ेंडर, जब अक्यूज़ पहला मुजरिम है यानी कि उस पर अपनी ज़िंदगी में इससे पहले जो है आ, कोई एलिगेशन नहीं है आ, जुर्म करने का और अक्यूज़ जो है वो फ़र्स्ट ऑफेंडर है तो उन केसेस में भी ये कोर्ट का कंसेशन होता है अक्यूज के लिए कि वो अक्यूज को बेल पर रिहा कर सकती है When सम डाउट इज़ क्रिएटेड इन फेवर ऑफ़ accused, अभी मैंने आप लोगों को बताया कि of ऑफ डाउट to टू accused। जब भी prosecution के केस में कोई डाउट क्रिएट हो जाए और कोर्ट को ये लगे कि अब ये जो prosecution का जो वर्जन है इसमें डाउट है तो जो उस डाउट का उस शख्स का जो फ़ायदा है वो accused के पास चला जाता है और अक्यूज़ जो है वो अपने अपनी रिहाई के लिए ज़मानत पर रिहाई के लिए एक एप्लीकेशन फ़ाइल करता है और उस एप्लीकेशन को कोर्ट एक्सेप्ट कर लेती है और उस अक्यूज़ को बेल पर रिहा कर दिया जाता है तो दोस्तों आज का हमारा लेक्चर जो था वो बेलेबल और नन बेलेबल ऑफेंसेस के बारे में था उम्मीद है आप लोगों को पसंद आया होगा और अब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिएगा अल्लाह हाफ एंड टेक केयर